शेयर कर सकते हैं और आज के सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से, नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जी मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। माई सेल्फ उसामा नईम, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, मास्टर्स इन ग्राफिक डिजाइनिंग, वर्क विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर मुल्तान पैकेजेस, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी लाहौर, मैसेज कम्युनिकेशन, और आजकल मैं जियो एसोसिएट्स प्रोडक्ट हाउस के साथ काम कर रहा हूँ। डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम किया है। वो पोर्टफोलियो जो है मैं अपना शेयर भी करूंगा आप लोगों के साथ, भी आपको दिखाऊंगा भी कि ग्राफिक डिजाइन होता क्या है। अच्छा, जिस एजेंडे के तहत आप लोग यहाँ पर मौजूद है और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ वो है ग्राफिक डिजाइन है क्या, इसे करना क्यों जरूरी है, और इसे करने के बाद कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप इजीली अवेल कर सकते हैं, इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और शुरू करते हैं जी ग्राफिक डिजाइन की डेफिनेशन से। ग्राफिक डिजाइन है क्या? विजुअल कम्युनिकेशन, अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज से ऑडियंस में डिलीवर करना। अगेन सुने, अपना मैसेज विजुअली, अपना जो मैसेज है वो आप डिलीवर कर सकते हैं। उसके बाद जी अगर मैं डेफिनेशन को समअप करूं तो ग्राफिक डिजाइन इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट। किस तरह? क्लाइंट अपना मसला लेकर आता है, ग्राफिक डिजाइन उसे सॉल्व करता है। किस तरह सॉल्व करता है कि इश्यूज क्या होते हैं, कि ग्राफिक वेब डेवलपर आता है, उसे लेआउट डेवलप करवानी है, वेब बैनर डेवलप करवाना है, वो ग्राफिक डिजाइनर करके देता है। मोबाइल एप्लीकेशन की लेआउट बनवानी है, वो ग्राफिक डिजाइनर उसे क्रिएट करके देता है। इसी तरह डिफरेंट ब्रांडिंग है तो ब्रांडिंग करवानी है, उसके लिए आपको ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है। अगर आपको कोई यूट्यूबर है या कोई इंफोग्राफिक्स बनवाना चाहता है तो उसके लिए भी ग्राफिक डिजाइनर उसे पहले क्रिएट करेगा, तभी एनिमेटर उसे एनिमेट कर सकेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज से पहले पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से एकदम से ग्राफिक डिजाइन का जो रुझान है और एकदम से जो इसका बूम आया उसकी रीजन क्या है, अगर उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें वो देखें जरा। एक रीजन बेरोजगारी है। इस वक्त 166 स्टूडेंट मेरे साथ, 166 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं जो कि मेरी बात को सेकंड करेंगे। एक रीजन बेरोजगारी है, दूसरी रीजन कोरोना इफेक्ट है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मुतासर हुए, अपने घरों में बाउंड होके बैठ गए। इस वजह से हमारे पास मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज नहीं है जिनको हम अवेल कर सके। उसकी वजह से 70% लोग, जो 70% लोग हैं वो ऑनलाइन बिजनेस करने पर मजबूर हो गए। ये एक अच्छी चीज भी हुई है कि ऑनलाइन 70% लोग ऑनलाइन बिजनेस करने पर मजबूर हो गए। गौरतलब बात क्या है कि 70% लोगों को ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर्ड हैं जो उनकी चीजों को ग्राफिकली क्रिएट कर सकें, उनकी ब्रांडिंग को लाउडली स्पीक करवाने के लिए उनके लिए विजुअल्स क्रिएट कर सकें। अब कैसे ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं? कोई दराज पे अपनी चीज बेच रहा है, कोई अमेजोन पे बेच रहा है, कोई टी शर्ट्स बेच रहा है, कोई सुवेनियर्स बेच रहा है, कोई ज्वेलरी बेच रहा है, जिसकी जो इस्तेतात है उस इस्तेतात के मुताबिक लोग अपनी चीजें सेल कर रहे हैं ऑनलाइन। अब बात आती है कि इसे हमने फर्ज करें कर लिया, अब इसके बाद हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिन्हें हम अवेल कर सकते हैं। हम एडवर्टाइजमेंट, हम चैनल्स में अप्लाई कर सकते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट हाउस में अप्लाई कर सकते हैं, हम एजुकेशनल सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं, हम डिफरेंट ब्रांड्स में अप्लाई कर सकते हैं, हम पेस्टिसाइड कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, और वेब डेवलपर जो एजेंसीज वगैरह हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी वास्ट फील्ड्स हैं जो ओपन हो जाती हैं जिनको हम इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम जरा पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं कि हम करने के हवाले हैं, किन चीजों पे हमारा मेनली फोकस होगा और क्या चीजें हम करेंगे। तो उसके लिए जी behance.net ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं उनका काम यहाँ पर मौजूद है, मेरा काम भी मौजूद है, आप लोग जाके मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं, m.osamanawn के नाम से मेरी प्रोफाइल मौजूद है। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक्स। कभी हमने सोचा था कि इंस्टाग्राम लेआउट डिजाइन करने के 50-60-70,000 हमें कोई पे करेगा, ऐसा हमने नहीं सोचा था, क्योंकि अब ये काम हो रहा है। उसकी रीजन क्या है कि इस वक्त हम डिजिटल एरा के अंदर मूव कर रहे हैं, आपकी हर चीज डिजिटलाइज होती चली जा रही है वक्त के साथ साथ। पहले आप एडवर्टाइजमेंट के लिए कहाँ जाते थे? प्रिंट मीडिया में जाते थे जो कि आपका न्यूज चैनल होता था, मैगजीन्स होते थे, या फिर आप चैनल्स में जाते थे जो कि बहुत कॉस्टली होता था और कुछ लोग जो बेयर करते थे वो वहां पे अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलवा लेते। अब क्या है, अब सिनेरियो कुछ डिफरेंट हो चुका है। अब नॉर्मल ऑडियंस भी अपना एड इजीली
अपनी मर्जी की ऑडियंस को दिखाकर अपनी चीजों को सेल कर सकती है और बहुत मामूली कीमत के अंदर। जब ये लोगों को समझ आया कि भाई हाँ ये काम बहुत आसान है और हम इजीली कर सकते हैं, सोशल मीडिया जिसको हम सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपनी चीजें सेल कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्हें ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर्ड है। इस वजह से उसका रुझान जो है डे बाई डे बढ़ता ही चला गया। अब कोरोना की वजह से जहाँ हर बंदा बेरोजगार हो रहा था, उस जगह एक वाहिद फील्ड थी ग्राफिक डिजाइन, जिसकी वजह जो कि सर्वाइव कर रही थी। लोगों के पास उस वक्त अपॉर्चुनिटीज जो थी ग्राफिक डिजाइनर के पास ज्यादा आ गई। क्यों? इसलिए आ गई क्योंकि लोग जो है वो ऑनलाइन बिजनेसेस करने शुरू हो गए, उन्हें अपनी चीज को बेचने के लिए विजुअल्स की जरूरत थी। इसकी एग्जांपल में अगर मैं आपको दूं तो इस वक्त यहाँ पर डिफरेंट लेडीज और बॉयज मौजूद हैं, तो मेरी बात को सेकंड भी करेंगे। तो लेडीज हैं वो स्पायर खाड़ी क्यों पहनना पसंद करती हैं, और जो बॉयजेज हैं वो क्यों चारकोल आउटफिटर ब्रेकआउट वगैरह पहनना पसंद करते हैं, उसकी रीजन ये है कि उनके पीछे पूरी एक क्रिएटिव टीम इन्वॉल्व होती है जो उनके सारे विजुअल्स क्रिएट कर रही होती है। आपको उनके मैगजीन इंप्रेस कर रहे होते हैं, आपको उनकी ब्रांडिंग इंप्रेस कर रही होती है, आपको उनके टैग्स इंप्रेस कर रहे होते हैं, आपको उनकी पूरी जो जो एक फोटोग्राफी शूट होता है उनके मॉडल्स का, वो आपको इंप्रेस कर रहा होता है। सारी चीजें आपको इंप्रेस करती हैं, तभी आप चीजें लेने के ऊपर कन्विंस होते हैं और आप वो चीजें खरीदते हैं। अब ये सोशल मीडिया क्या चीज है और इसके ऊपर विजुअल्स कैसे क्रिएट करते हैं, देखें ये तीन का ग्रेड के अंदर हम कोई भी चीज बना रहे होते हैं, उसके अंदर हम सबसे पहले कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि भाई आपका जो डिजाइन है वो किन चीजों से मिलकर बन रहा होता है। वो तीन चीजों से मिलकर बन रहा होता है, वो टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी और इलस्ट्रेशन। ये तीन चीजें हैं जिनसे मिलकर आपका डिजाइन जो है वो क्रिएट हो रहा होता है। तो वो डिजाइन है क्या, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखें तीन का ग्रेड, और अगर हम इसे नाइन में रखना चाहते हैं तो इसे नाइन में रख देते हैं। आपको देखा होगा इंस्टाग्राम के ऊपर डिफरेंट आपने पेजेस देखे होंगे जहां पर ब्लैक एंड व्हाइट में किसी ने प्ले किया हुआ होता है, या पिंक के शेड में प्ले किया हुआ होता है, या ब्लू के शेड में प्ले किया हुआ होता है, जहां पे आपका दिल करता है रुक कर प्रोडक्ट देखने को, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कशन होगी। उसके बाद जी अगर आप अपने विजुअल कंटेंट फिर डिफरेंट मीडियम का आप सहारा लेते हैं, आप ब्रोशर पे अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, आप फ्लायर पे कर सकते हैं, आप बिलबोर्ड पे कर सकते हैं, या आप सोशल मीडिया पोस्ट पे कर सकते हैं, तो उसके लिए जी फ्लायर क्या चीज है, उसकी लेआउट्स किस तरह बनाई जाती हैं, उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन कैसे होने चाहिए, उसके अंदर हाई राइज्ड इमेजेस हम कहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, हम नॉर्मल टेक्स्ट से बड़ा टेक्स्ट अगर हम इसको रख रहे हैं तो उसकी रीजन क्या है, हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस की जो पहली आई है वो यहाँ पर रोटेट करे, उसके ऊपर डिस्कशन होगी। उसके बाद जी सोशल मीडिया पोस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे बनती है, उसके ऊपर काम करेंगे, कैसे हम बैकग्राउंड्स तैयार करते हैं, और एट द एंड हम कैसे 3D इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और अपनी जो ब्रांडिंग है उसको हाईफाई कैसे क्रिएट बना सकते हैं। उसके बाद जी प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन, इसके ऊपर काम करेंगे। प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन क्या चीज़ है, ऐसा नहीं है कि क्लाइंट आपका पैसे लेके मार्केट में चला जाता है कि भाई मुझे ये चीज़ बनाकर दे दो। सबसे पहले वो ग्राफिक डिजाइनर के पास आता है, उसे कहता है कि भाई मेरी चीज़ बनने के बाद दिखेगी कैसे, तो ग्राफिक डिजाइनर उसे बताता है कि भाई आपकी जो चीज़ है लिट बनने के बाद इस तरह का उसका इम्पैक्ट होगा, वायर फ्रेम इस तरह का होगा, उसकी लेबलिंग इस तरह की होगी, और एट द एंड उसकी 3D डायमेंशन बॉक्स की कुछ इस तरह की होगी कप की। उसके बाद जी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पहले लेक्चर सिखाता हूँ कि प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। देखिए जब आप गोरों के साथ काम कर रहे होते हैं तो दुनिया में बहुत सारे डिजाइनर्स मौजूद हैं, आपका काम या आपको वो क्यों पे करे, उसकी रीजन होनी चाहिए ना कि आपको आपको अपनी चीज को प्रेजेंट करना आना चाहिए, तो उसके ऊपर हम काम करते हैं कि आपकी चीज को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका लोगो मेकिंग। लोगो मेकिंग क्या चीज है, देखें अगर आपका नाम जैसे आपकी आइडेंटिटी है, इसी तरह कंपनी का जो लोगो है वो उसकी आइडेंटिटी होता है, तो उसको क्रिएट करने के लिए अगर आपको लगता है कि 30 डेज के अंदर आप लोगो बनाने की सलाहियत रखते हैं, तो मैं आपको बता दूं आपकी वर्थ के नॉर्मल डिजाइनर 10,000 से 15,000 सिर्फ लोगो के पोर्शन के चार्ज करता है। अब लोगो क्या चीज है, किन प्रोसेस से गुजर के बनता है, कौन से कलर कॉम्बिनेशन को मिलाएं तो गोल्ड प्लेटेड कलर हम बना सकते हैं, और एट द एंड हम किस तरह 3D एग्जीक्यूशन क्रिएट करके अपनी चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद जी किन प्रोसेस से गुजर के आपका एक लोगो बन रहा है, उसके अंदर कौन से कलर कॉम्बिनेशन ऐड करें तो एक मिक्स ग्रेडियंट बनता है, और एट द एंड फाइनल एग्जीक्यूशन, इसके ऊपर डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। उसके बाद जी अगर आप कोई बॉटल बना रहे हैं वेब के हवाले से, तो उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए, उसके लेआउट का इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, उसके अंदर लाइट आप कहाँ से प्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसके अंदर लेबलिंग के कलर कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन होगी। उसके बाद आपने कोई प्रोडक्ट बना ली, उसकी पैकेजिंग आप तैयार कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट उसके कलर कॉम्बिनेशन और आपकी एग्जीक्यूशन के लिए जो मटेरियल आप लिख रहे हैं वो किस तरह का होना चाहिए, उसके कलर कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए, उसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कशन होगी।
उसके बाद ये जिन बहनों ने, जिन भाइयों ने और जिन दोस्तों ने मुझे लाहौर से ज्वाइन किया, उन्हें पता होगा फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज, ये मेरे क्लाइंट हैं, इनका मैंने काम किया। ये आप देख सकते हैं एजुकेशनल सेक्टर देखें, जितने भी मल्टीनेशनल ब्रांड्स होते हैं जो आप इनके साथ काम करते हैं, तो ये प्रॉपर एक ब्रांड गाइडलाइन पे काम कर रहे होते हैं। ब्रांड गाइडलाइन क्या चीज होती है कि आपकी थ्रू आउट कैंपेन के अंदर कलर्स कौन से यूज होंगे, फॉन्ट कौन से यूज होंगे, आप कितने कलर्स के ऊपर प्ले कर सकते हो, ये सारी चीजें जो होती हैं ये हम ब्रांड गाइडलाइन के अंदर ये मल्टीनेशनल कंपनीज आपको प्रोवाइड करती हैं। उस ब्रांड गाइडलाइन के ऊपर एक डिजाइनर जो है वो उनका काम करता है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। उसके बाद जी आप अगर विदाउट एनी इमेज अपने डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप पेपर टेक्सचर और हाई राइज बैकग्राउंड आप कहाँ से, फ्री ऑफ कॉस्ट कौन सी वेबसाइट है जहाँ से आप इजिली कैरी कर सकते हैं, उठा सकते हैं, अपनी कलेक्शन बना सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होगी। उसके बाद जी अगर हम सोशल ये जो आपके न्यूज़पेपर एड्स वगैरह अगर इनकी बात करें, तो उनके अगर हमने एड तैयार करने, तो उसका इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसके अंदर टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं। अगर एजुकेशनल सेक्टर के हवाले से, तो आपको एटमोसफेयर ऐसा दिखाना होगा जहाँ पर लोग देख कर ख्वाहिश करें वहाँ पर एडमिशन लेने की, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद अगर मास्टर लेवल की बात हो रही है, तो आपको ऑलवेज सी बात है बिजनेसमैन टाइप का बंदा दिखाना होगा जो बिजनेस भी कर रहा है साथ एजुकेशन भी हासिल कर रहा है, इसी तरह वर्किंग वुमेन दिखानी होगी। इसी तरह अगर ब्लैक एंड व्हाइट कलर कम्बिनेशन में प्ले कर रहे हैं, तो उस वक्त आपके कलर कम्बिनेशन कैसे होने चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन होगी। इसी तरह सोशल मीडिया पोस्ट क्या चीज होती है, किस तरह होती है, उसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो ये सारा इम्पैक्ट है डिजाइन का, और यही चीजें प्रोड्यूस करते हैं और इन्हीं के ही लोग लाखों पे कर रहे होते हैं। तो ये आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप किसी के साथ तीन चार ब्रांड भी अगर आपकी लाइफ में जुड़ जाते हैं, तो एक एक आपका सर्वाइवल अच्छा हो जाता है कि तीन चार ब्रांड्स का काम बंद नहीं होना, उनके वेब पे काम चलता रहना है, उनकी एप्लीकेशन पे काम चलता रहना है, उनकी अपकमिंग प्रोडक्ट्स आती रहनी है और आपको क्रिएट करते रहना होता है। तो इस तरह अगर आप किसी ब्रांड का काम स्टार्ट करते हैं, तो उसको स्टार्ट करने का तरीका कार क्या होता है, ये देखें। एक वधुआ एक एनजीओ थी जिनका मैंने काम किया, तो सबसे पहले मैंने उन्हें ऑप्शंस प्रोवाइड की, तो उन्होंने सेलेक्ट किया जी हम इस लोगो पे जाना चाहते हैं। फर्दर मैंने उन्हें बताया कि आपका लाइट बोर्ड के ऊपर जो आपके लोगो का इम्पैक्ट है वो कुछ इस तरह का होगा, प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की होगी, सबवे स्टेशन पे आपका लोगो की प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की होगी, इनडोर अगर आप पोस्टर प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसका इम्पैक्ट कुछ इस तरह का होगा, और अगर आप फाइल कवर के ऊपर प्रिंटिंग करवाना चाह रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कुछ इस तरह का होगा, और अगर आप वॉल के ऊपर अपने इंसिग्निया को इम्पोज करवाना चाह रहे हैं उसका इम्पैक्ट कुछ इस तरह का होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आप अपने क्लाइंट को फीड कर रहे होते हैं, और इसी तरह आपका काम बढ़ता चला जाता है और आप उसी हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट से। उसके बाद जी अगर आप किसी रेस्टोरेंट के हवाले से बात करते हैं, तो रेस्टोरेंट के हवाले से उसके विजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब आप किसी रेस्टोरेंट के साथ काम करते हैं, तो वो आपको फोटोग्राफी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं करते, तो वो आपको कहते हैं कि भाई आप ऑनलाइन कहीं से भी आप पिक्चर्स उठाएं और हमें पोस्टर वगैरह बिल्ड करके दे दें। तो आपको इस तरह के जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि आपको इस तरह के इमेजेस कलेक्ट करने होते हैं या इस तरह के इमेजेस यूज करने होते हैं जहां आप इजीली अपने डिजाइन को एक्सप्रेस कर सकें, बता सकें अपनी ऑडियंस को कि भाई ये जो चीज है आप आए ट्राई कर सकते हैं, या वो कहे देखने वाला व्यूअर कि भाई बिरयानी को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, इट्स मीन वो ट्राई भी करेगा। तो इसी तरह आप अपने क्लाइंट को बिजनेस प्रोड्यूस करके दे रहे होते हैं। और उसके बाद जी गर्ल्स को पता होगा हील ब्रांड्स का, तो हील का जो ब्रांड है इनकी मैंने ब्रांडिंग की हुई है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह आप ब्रांडिंग करते हैं, कहाँ कदम बढ़ाओ, आपकी टैग लाइन आनी है। जो चैलेंज होता है वो यही होता है कि टारगेट ऑडियंस कैसे डिफाइन करनी है विदाउट एनी मतलब आप मॉडल को शो नहीं कर रहे, उसके अलावा अगर आपने टारगेट ऑडियंस बतानी है तो कैसे बता सकते हैं कि वर्किंग वूमेन है जिसके हाथ में टैब है, कोट शू वो वेयर करते हैं, तो इस तरह करके हम डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद जी बैंक के हवाले से BOP का सबको पता होगा, ये ओल्ड ट्रेडिशन के ऊपर इनकी ब्रांडिंग चल रही थी, तो इनकी ये मैंने ब्रांडिंग की थी BOP की न्यू ट्रेडिशन के ऊपर। कलर कम्बिनेशन ये आपके सामने है, किस तरह हम अपने हैप्पी कस्टमर्स लॉयल कस्टमर किस तरह टैग लाइन आनी चाहिए, और अपनी क्लास हमको डिफाइन करते हैं कि वो बिजनेस पीपल्स हैं जो इस बैंक को यूज करते हैं। उसके बाद जी थ्रू आउट ब्रांडिंग क्या होती है, स्टेशनरी बिल्ड करते हैं हम, उसके अंदर जी आपका विजिटिंग कार्ड एनवलप्स वगैरह सारी चीजें, इसके भी आप आराम से 10,000 से 15,000 चार्ज कर लेते हैं, और ये लोगो बनने के बाद आप इजिली अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों पे डिटेल से डिस्कशन होगी। उसके बाद जी बात करते हैं, तो यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। अगर आप
यूट्यूबर यूट्यूबर हैं, या आपको शौक है वीडियो एडिटिंग का, या आपको शौक है वेब डेवलपिंग का, तो उसके लिए देखें आपको वीडियो के अंदर जो एक मेन रोल होता है वो ग्राफिक डिजाइनर का होता है। जब तक वो विजुअल्स नहीं क्रिएट होते तो कोई कोई भी एनिमेट नहीं कर सकता। तो अगर आपका शौक है तो पहला स्टेप जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग है। अगर आप वेब डेवलपिंग का शौक रखते हैं, या आप शौक रखते हैं वीडियो एडिटिंग का, या आप शौक रखते हैं मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का, आईटी से आपका ताल्लुक है, तो उसके लिए जरूरत इस बात की है कि आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग आना जरूरी है। अदरवाइज आपको ग्राफिक डिजाइनर हायर करना होगा। तो ये जी एक UK 8 वालों का प्रोजेक्ट था जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि किस तरह हम इंफोग्राफिक्स वगैरह क्रिएट करते हैं पहले सॉफ्टवेयर में, देन फर्दर हम उन्हें एनिमेट करते हैं। तो दो सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम करने वाले हैं, अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर। मेनली अडोब इलस्ट्रेटर पे हम लोग काम करेंगे। और आजकल के दौर के अंदर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हर घर में कंप्यूटर सिस्टम्स मौजूद हैं। सिर्फ इरादा करने की जरूरत है कि अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन अर्निंग करना या कोई भी स्किल अडॉप्ट करना, तो बहुत आसान है कि आप उसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट कर दें। अल्लाह मियां ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है। आप चाहते हैं किसी स्किल को अपने उसको सीखना, तो आप उसके ऊपर अगर प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो वो चीज़ आपको दिनों में आ जाती है। लेकिन मेन पर्सपेक्टिव है कि करंट सिनेरियो को देखते हुए प्रोग्रेस करना। तो आजकल का जो करंट सिनेरियो है वो डिजिटली आपको पता है कि स्ट्रांग होता चला जा रहा है। अगर आप उसके अंदर मूव करते हैं तो आपकी सक्सेस रेशियो बढ़ जाती है। अगर आप उसके अंदर एफर्ट करें तो आप इजीली अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं, अपनी फैमिली को स्टैंड कर सकते हैं। तो ये जी विजुअल्स हैं, ये सारी चीज़ें करेक्टर्स वगैरह हम बिल्ड करते हैं अडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर, देन फर्दर एनिमेटर उसे एनिमेट करता है वीडियो के अंदर, और फाइनली आप उसे कंपाइल कर देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये प्रोजेक्ट था, UK 8 वालों के साथ मैंने किया था, ये आप देख सकते हैं UK 8 वालों का। अब बात आती है कि हम लोग करेंगे क्या, और जो मेरे जो जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनका लेवल क्या है, और ये सब सीखने के बाद उनका वो आपकी की तरह डेमो डेमो लेते हैं, उसके बाद उनकी क्लासेस होती हैं, और फाइनली वो किस स्टेज पे चले जाते हैं। तो ये जी आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल MOSAMANAWM नेम के नाम से मेरी प्रोफाइल मौजूद है, आप लोग जाके विजिट करें। यहाँ पर जी जो बच्चे अच्छा काम कर रहा होता है उनका काम मैं अपने स्टेटस पे लगाता हूँ। जितनी भी मेरी आर्टिस्ट कम्युनिटी के जिनका ताल्लुक NCA से है, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग से है, या मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट से है, या इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से है, तो सब जी मेरे बच्चों को जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके काम को पोल कर रहे होते हैं। यहाँ पर जाएं, आराम से विजिट करें, देखें स्टूडेंट्स का काम कैसे वो प्रोसेस वर्क बिल्ड करते हैं, कैसे अपने पोस्टर्स बिल्ड कर रहे हैं, कैसे अपनी असाइनमेंट्स वगैरह बना रहे हैं, और फर्दर उनका जो काम वगैरह है वो आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जी यहाँ पे हाइलाइट्स के अंदर ये काम है उनका जो कि अभी तक बच्चे कर कर चुके हैं। अगर आप हाइलाइट्स पे क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अनिला से मैं रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली आपकी चैट ओपन कर दें ताकि आप लोगों के कुछ सवालात हैं तो आप लोग सवालात कर सकते हैं। सर, मैं आपको होस्ट बनाने जा रही हूँ, काइंडली चेक कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन, आप अपने मेंटोर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सर, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। जी, अगर आप लोगों को कुछ सवाल है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। GB रैम वाला लैपटॉप चलेगा, या 4, ये कम से कम 8 GB 16 GB होगा तो आप इजीली वर्क कर सकते हो उसके ऊपर। सर, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड्रॉयड पे नहीं जी, एंड्रॉयड पे नहीं हो सकता, सिस्टम और लैपटॉप होना लाजमी है ताकि आप कर सकते हैं। हाँ, एंड्रॉयड पे लेक्चर्स ले सकते हैं आप, ये पॉसिबल है। क्या आप स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल जी, जीरो से हम एट द एंड ब्रांडिंग तक जाएंगे, और स्क्रैच से मुराद क्या बेसिक जो टूल्स के होते हैं वो भी होगा, और उसके बाद प्रॉपर आपके असाइनमेंट्स वगैरह होंगी। एक दिन आपका लेक्चर होता है, अगले दिन आपको वही टास्क कंप्लीट करके जमा कराना होता है। 45 मिनट्स की आपकी क्लास होती है और प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग होती है। अगर किसी दिन किसी बच्चे के पास लाइट नहीं है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही होती है, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। सर, क्लासेस लेने के लिए काइंडली लैपटॉप का होना जरूरी? हाँ यार, बिल्कुल जरूरी है। अगर नहीं है, किसी से बोरो कर लो,
स्किल सीख लो। देखो स्किल वाहिद एक ऐसी चीज है जो कि हमारे आजकल के दौर के अंदर जिसमें पेंडेमिक सिचुएशन है, किसी को समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, तो करंट सिनेरियो के अंदर फ्रीलांसिंग अगर अर्न करना है तो उसके लिए किसी भी स्किल के ऊपर काम कर सकते हैं। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, इसके लिए कोई प्रोफेशन का होना लाजमी नहीं है। आप किसी भी चीज का सलाहियत रखते हैं तो आपको हर चीज के अंदर ये जो चीज है, स्किल है, ये आपको हमेशा काम आती है और आप इसको कर सकते हैं। सर जी 4GB रैम इज पॉसिबल फॉर दैट? हाँ, 4GB रैम पे कर सकते हो, लेकिन 8GB है तो मच बेटर। तो ये कोई इतना हैवी ड्यूटी सॉफ्टवेयर नहीं है, हैवी ड्यूटी बन जाता है जब आप हैवी ड्यूटी काम कर रहे होते हैं। सर जॉब टाइमिंग क्लास के ले सकते हैं? जी हाँ, टाइमिंग की यही टाइमिंग होती है जो आप इस वक्त अटेंड कर रहे हैं। मेरा लेक्चर 7 to 8 या 6 to 6:15 से आपका लेक्चर स्टार्ट होता है 7 o'clock तक, तो इस तरह की ही टाइमिंग होती है इसी 8 से ऑनवर्ड। अदरवाइज अगर आप जॉब करते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप उस रिकॉर्डिंग को हस्ब जरूरत अपने टाइम की सहूलत के मुताबिक उसे सेव कर लेते हैं और उसे अपनी मर्जी से देखकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं भी कर सकता हूँ, आई एम ए न्यू हेयर। बिल्कुल जी, आप लोग भी कर सकते हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो 9th-10th के स्टूडेंट्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं और 40+ एज वाले भी हैं। जरूरत इस बात की है, देखिए मैंने आपको एक चीज समझाई थी, अशरफुल मखलूकात अल्लाह मियां ने आपको बनाया है। अगर आप कोई चीज करने की ठान लेते हो तो वो चीज की प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो वो चीज आपके अंदर बिल्ट इन हो जाती है, आप सीख जाते हो प्रैक्टिस के बाद। लैपटॉप के साथ इंटरनेट कनेक्शन का भी होना जरूरी है, लेक्चर के लिए आपके पास इंटरनेट का होना जरूरी है जिससे आप डाउनलोड करेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। कि आप सॉफ्टवेयर के लिए आपको डाउनलोड एक दफा कर लेते हो उसके बाद आपको नेट की जरूरत नहीं है। सर 1 month में आप ये सारे स्क्रैच से कैसे करवाएंगे? हीरा इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बच्चे जो जिनका काम आप देख रही हैं ना ये भी यही बात करते थे और आज माशाल्लाह इनका आप काम देख सकती हैं, आपके सामने है। आप तसल्ली करें, आप क्या नाम है LW के पेज पे जाएं, वहां से इंस्पायरेशन लें, स्टूडेंट्स का काम देखें, उनसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो लाजमी कम्युनिकेट करें कि सर कैसा पढ़ाते हैं, तो आपको वहां से आइडिया हो जाएगा और आप इजीली कर सकते हैं। वही बच्चे हैं जो कि जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया था और वो यही परेशानी में रहते थे, सर आप ये कैसे कराएंगे, ये मेरे पे छोड़ दें। सिर्फ अपना सिस्टम लेकर, अपना इरादा लेकर मेरे पास आए, बाकी चीजें मेरी पूरी कोशिश होती है, जो मेरे स्किल्स मेरे पास हैं वो मैं आपको डोनेट करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। सर कितने टाइम में हम अर्न कर सकते हैं? देखें अर्न करने की जिम्मेदारी या गारंटी मैं नहीं देता अपने स्टूडेंट्स को, सिंपल सी बात है ना, मेरे रब ने मुझे ये कहा है कि मैं किसी को झूठे ला रहे दूं। आप लोग स्किल्स पे काम करें, रिस्क जो आपके रब ने आपको देना है उसका वादा उसने ही किया है, तो मैं आपको स्किल सिखा सकता हूँ जो कि जिसका वादा मैं आपसे कर सकता हूँ। अडोब फैमिली सॉफ्टवेयर यूज करना होगा? जी अडोब फैमिली सॉफ्टवेयर यूज करना होगा, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप का ग्रुप होता है जहां पर आपको प्रॉपर बताया जाता है कौन सी वेबसाइट से जाकर आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी ओवर टू अनिला, आई थिंक सो ऑलवेज वही सवाल आते हैं, तो ओवर टू अनिला बाकी चीजें आपको वो गाइड कर देंगे। थैंक यू सर, अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को अबाउट ट्रेनिंग के गाइड करती चलूं। ये 1 month का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1500 पर कोर्स फीस है, जो कि आप इजी पैसा, जैस कैश और किसी भी बैंक अकाउंट के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। लाइव ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी, फेसबुक ग्रुप की सपोर्ट दी जाएगी, जिसका लिंक मैं आप सबको चैट बॉक्स में सेंड कर रही हूँ। आप सब लोग काइंडली, जो जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया वो सब लोग लर्निंग विद अर्निंग के इस ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और मुझे चैट बॉक्स में इन्फॉर्म करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आफ्टर इनरोलमेंट ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, पेड सेशन के लिंक्स दिए जाएंगे ताकि आप इजीली अपनी क्लास को अटेंड कर सकें। सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करवाया जाएगा, इंस्टॉलेशन में जो जो मसले मसाले आएंगे उन्हें सॉर्ट आउट करवाया जाएगा। बैकएंड पे हमारी पूरी सपोर्ट टीम होगी जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाएगी। स्टूडेंट्स, इसके अलावा मेंटोर की सपोर्ट दी जाएगी और आफ्टर ट्रेनिंग आप लोगों को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड प्लान 9 की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग के 2 levels हैं, नंबर 1 बेसिक लेवल, नंबर 2 एडवांस लेवल। ये दोनों लेवल्स आप लोगों को इस ट्रेनिंग सेशन में कंप्लीट करवाए जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो जहां से आपने आज के डेमो सेशन का लिंक लिया है आप वहीं पे कांटेक्ट करेंगे, वो एनरोलमेंट के अबाउट आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप खुद को इस कोर्स में एनरोल करवा सकते हैं।